इतनी बड़ी जय हो के बाद आप संतोष शुक्ला नजर आएंगे देसी कट्टे में, उसमें और इसमें फर्क है थोड़ा, और वो फर्क ये है कि जय हो में आई वॉज व्हेन आई एंटर्ड ही वॉज अ ह्यूज गाय, इविल, नेगेटिव आउट एंड आउट, देन लास्ट में एक जर्नी दिखा दिया, पॉजिटिव हो गया. बट आई थिंक दिस इज द फिल्म आउट एंड आउट नेगेटिव, नो पॉजिटिविटी एट ऑल. बड़ा खतरनाक है, बड़ा ही डेंजरस किस्म का आदमी है. मैं यूपी का हूँ, लखनऊ शहर का. तो मुझे जो अट्रैक्ट किया जब मैंने कहानी, ये लोग मेरे पास आए जब फिल्म का प्रस्ताव लेकर के कि हम चाहते हैं आप ये किरदार आप निभाएं, तो जो बेस्ट मुझे जो अट्रैक्शन था वो ये था कि ये यूपी में एक शहर है कानपुर, कानपुर का मशहूर गैंगस्टर बबलू चौधरी, ये रोल उसका है. तो मुझे जो है वो एक अंदर से पेट में, यू नो, आई स्टार्टेड गेटिंग लाइक कि नहीं यार ये रोल तो मुझे करना चाहिए, बिकॉज मैं अपनी मिट्टी का रोल है, ये वो रोल है जो हम वो अपने यूपी में जैसे बात करते हैं ना, कहा हो गए बे, अब ऐसा का देख लिया, पतलून ढीली हो रही बेटा तेरी, ये अभी बात सुन, साला सरकार चाहे जिसकी भी हो, राज तो बबलू चौधरी करेंगे बेटा. तो ये जो है एक दबंग अंदाज और एक आउट एंड आउट नेगेटिव और एक यूपी की भाषा वाला होता है ना, कहोगे बे तो को अच्छी लग रही बे, साले हमारा आइटम है बे, उस पर नजर डाली ना तो कट्टे का जितना लोहा है ना हम अंदर डाल देंगे. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने कहा कि ठीक है आई एम ऑन. और आनंद कुमार जो हैं वो बहुत ही अच्छे टेक्नीशियंस हैं, ही इज़ अ सुपर टेक्नीशियन, ही इज़ अ सुपर डायरेक्टर एंड ही इज़ अ आउटस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग. मुझे इंसान बहुत अच्छे लगे और बड़ा मज़ा आया यूनिट के साथ काम करके, सो अच्छा है. दूसरा मुझे लगता है आप एक प्रश्न मुझसे पूछना भूल गए हैं, या क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ और इतना ज़्यादा लोग आए हुए हैं, इतने इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो आपके माइंड से निकल गया है, वो ये है कि संतोष जी आपका लुक चेंज हो गया है सर, वो कहाँ गए लंबे लंबे बाल, वो जटाएं, जटाधारी बाबा, हर हर महादेव, भोले की फौज करेगी मौज, क्या हो गया, ये लुक चेंज हो गया सर, ये एक हफ्ते पहले की बात है. सलमान भाई ने जो है वो बाल काट दिए मेरे, एंड ही एक्चुअली गॉट पिस्ड ऑफ, बहुत नाराज हो गए कि मैं तो जय हो से निकल के किक में चला गया, मैं गाने भी गा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, आप वही किक में, वो जय हो में अटके हुए हो, जय हो से बाहर निकलो बाबा, दुनिया आगे है और काम है. तो मैंने कहा ठीक है सलमान भाई, आपका आदेश सिर आंखों पर. ही इमिजिएटली कॉल्ड आलिम के वहाँ इमरान, जो उनके पर्सनल हेयर ड्रेसर है, इमरान को बोला कि इसके बाल काटो, छोटे करो, टकला करना है टकला करो, बट इसको एक घंटे बाद घर भेजो चेंज करके. तो फिर एक घंटे बाद जो है वो मैं गया, मैंने थोड़ी शाणापंथी करी, बाल थोड़े थोड़े कटवाए, बोले ये क्या हो गया, तू तो जुनून का राहुल रॉय बन गया है. तो वो भी बड़ा खूबसूरत हेयर स्टाइल था, बट फाइनली फिर ये हेयर कट हुआ, अभी ये हेयर कट आ गया है, और 2 या 3 महीने बाद मैं सलमान भाई के साथ एक नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहा हूँ. उस फिल्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको नहीं दे सकता हूँ. टैन टन, ये मैंने मीडिया को एक दे दिया है सवाल, ताकि अभी मीडिया जो है वो सोचे और सोचती रहे कि वो कौन सी फिल्म है और ये लुक किस फिल्म के लिए है, और आखिर क्या था वो राज जो संतोष शुक्ला ने हमसे छुपाया. ये सलमान भाई ने बाल काटे, सलमान भाई की तरह नहीं कटे हैं, सलमान भाई मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मेंटोर हैं, मेरी फैमिली हैं. मैं अपने माँ बाप के बाद मुझे लगता है अगर किसी को प्यार करता हूँ तो सलमान भाई को करता हूँ. कुछ लोग हैं मेरी ज़िंदगी में गिन चुन के, उन सबको प्यार करता हूँ. तो आई एम सो थैंकफुल टू सलमान भाई कि ये उनका प्यार है. अगर मुझे बोलते टकले हो जाओ तो मैं टकला भी हो जाऊँगा, बट अभी आई एम गोना टेक इट एज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट. लिसन, व्हेन यू से दैट बाल आपके सलमान भाई से गए, अरे दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी है सर, दुनिया का सबसे हसीन आदमी है सर. मुझे लगता है कि 85% जो पॉपुलेशन है वो सलमान खान की फैन है सर. मैं भी सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ सर. तो ये मेरी खुशकिस्मती है, आई एम ब्लेस्ड. मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर महादेव का आशीर्वाद है कि सलमान खान ने मेरे बाल कटवाए. ओ हो बाबा, आपके कटवाए तो आप तो सो ना पाओगे. तो ये अच्छा लगा, तो बड़ी खुशी हुई है जब ये मुझे कोई भी बोलता है, जैसे आपने बोला कि ये आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल सलमान भाई जैसे हैं. सो थैंक यू सर, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने इतना बड़ा, इतना खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया. धन्यवाद, जय हो. थैंक यू.
तो दोस्तों ये हैं हमारे दो कैरेक्टर्स पाली और ज्ञानी जो इस फिल्म में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं. ही इज़ मिस्टर क्रिश एंड ही इज़ अभिषेक. बोथ आर फैंटास्टिक एक्टर्स, बहुत उम्दा कलाकार हैं और इस फिल्म में कमाल किया है. स्लम डॉग मिलेनियर के बाद ये दोनों ऐसा कमाल करने वाले हैं इस फिल्म में, यू विल रिमेम्बर. क्यों पाली क्यों ज्ञानी, बताओ yes. क्या किया तुमने? अरे हमने बहुत सारे किरदार, मतलब जैसे ये फिल्म में मेरा किरदार है पाली, इसका है ज्ञानी, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा एक करके और बहुत मज़े भी आए. स्पेशली मज़ा तो हमें शूटिंग पे आया, सीन्स में इंटरेस्टिंग था, बहुत फनी भी था, मज़ा आया. और इन हम इस पिक्चर में मींस हमारा कोई नहीं है, ना कोई पेरेंट्स ना कोई हम बस एक फ्रेंड्स रहते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, जो कि बचपन से ही स्टार्टिंग से ही मतलब पूरी मूवी में बड़े होते हैं वगैरह वगैरह. और बचपन से ये लोग दबा के एक्शन कर रहे हैं, ऐसे सॉलिड सॉलिड एक्शन हैं, देसी कट्टे फायर कर रहे हैं ये लोग, और बच्चे की अपब्रिंगिंग बिना